सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल अजीत बाइकर ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। गाइज तो गाइज आज का वीडियो जो है बाइक से रिलेटेड और टूरिंग से रिलेटेड एसेसरीज का अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन करने वाला हूं, तो चलिए आपको दिखाते हैं गाइज। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये रहा मेरा वाटर बॉटल होल्डर जो कि प्रो स्पेक ब्रांड का है और पूरे पैकेट में यार देख सकते हो प्रो स्पेक लिखा हुआ है। सो काफ़ी अच्छी ब्रांड है और इसके जो है बहुत सारे एसेसरीज आते हैं मोटरसाइकिल से रिलेटेड। सो आप सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। ये जो प्रो स्पेक ब्रांड है मेड इन इंडिया है और यहाँ पे प्राइस इसका मेंशन है 450 रुपीज़। तो काफ़ी अच्छी ब्रांड है। सो मैं ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ इस ब्रांड को और देखते हैं, अच्छी क्वालिटी होगा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बाय करने के लिए और अच्छी नहीं होगी तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं जल्दी से और दिखाते हैं कैसा ये प्रोडक्ट है गाइस। और इसकी जो पैकिंग है बहुत सही है यार। तो फ्रेंड्स, ये रहा वाटर बॉटल होल्डर जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी लग रही है। सो इसको भी पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यार, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और ये जो है मेड विद प्लास्टिक है, काफ़ी सही लग रही है। सो आपको इसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ बाय करने के लिए, आप इसको बाय कर सकते हो। यहाँ पे इस जगह पे लिखा हुआ प्रो स्पेक। सो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है नो डाउट, बट इसमें एक चीज़ मेरे को कमी लग रही है क्योंकि इसका जो बेस यूनिट आता है जो आपको क्रैश गार्ड में लगाना होता है वो इसके साथ नहीं आता है। अगर इंडिया में बाय करते हो तो इंडिया में ये प्रोवाइड नहीं करती है साथ में इसका बेस यूनिट, लेकिन अदर कंट्री में इसको बाय करोगे तो इसके साथ यार बेस यूनिट भी मिलता है। बट ये एक बिज़नेस है, कंपनी वालों ने ये बिज़नेस कर रही है इंडिया में जो कि आपको अलग अलग सेपरेट सेपरेट बाय करना होता है। तो ऑलरेडी मैंने बाय किया हुआ है इसका यूनिट, तो आप देख सकते हो ये भी मैंने अमेजोन से बाय किया है और इसको भी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और ये भी जो देख रहे हो, देख यहाँ पर देख सकते हो प्रो स्पेक का है, सेम टू सेम ब्रांड है और ये भी मेड इन इंडिया है, सेम ही है। तो इसका ये जो है बेस यूनिट है और इसकी जो प्राइस यहाँ पे देख सकते हो 500 रुपीज़ है। तो आपको ये अलग से बाय करना होगा और 500 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख सकते हो QR कोड भी दिया हुआ है, अगर आप स्कैन करना चाहते हो तो स्कैन कर सकते हो। ये ओरिजिनल ब्रांड है। तो इसको भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं यहाँ पर, इसको भी कटिंग करते हैं और देखते हैं। तो क्वालिटी में नो डाउट यार, बहुत अच्छी क्वालिटी है और ये आपके क्रैश गार्ड में ये फिक्स हो जाएगी। और इसमें भी देख सकते हो सारे में इसका जो प्रो स्पेक लिखा हुआ .com। सो नो डाउट इसका वेट काफ़ी अच्छी है यार। सो ये आपको क्रैश गार्ड को काफ़ी हद तक सेव कर देगी। और इसके साथ जो है ये आप देख सकते हो रबर का दो पीस आपको मिल जाता है जो कि आपको जो भी क्रैश गार्ड का जो थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो इसको लगाकर। तो ये जो बेस यूनिट है इसमें दो होल दिया हुआ है इस जगह पर और यहाँ पर देख सकते हो वाटर बॉटल होल्डर में यहाँ पर दो स्क्रू है, तो बहुत इजीली तरीके से इसमें जो इसमें फ़िक्स हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो। और ये जो है आपके क्रैश गार्ड में ये फ़िक्स हो जाएगी फ्रेंड। तो बहुत इजी तरीका है आपको क्रैश गार्ड में इसको इंस्टॉल करने का। सो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। और यहाँ पे देख सकते हो 3mm का एलंकी आपको मिल जाएगा ये यूनिट के साथ और यहाँ पे दो रबड़ है। तो यार टूरिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था बॉटल्स को कैरी करने में, तो फाइनली मेरे पास वो चीज़ आ चुकी है होल्डर। तो अभी इसको बाइक पे माउंट करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कितना बेनिफिशियल है गाइस। तो चलिए बाइक के पास चलते हैं और इसको फिक्स करते हैं। A little longer than a few minutes later. सो फाइनली गाइज, मैं अभी बाइक के पास आ चुका हूँ और देख सकते हैं मेरे हैंड में जो है वाटर बॉटल है और मैं अभी बाइक में इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं गाइज। फ्रेंड्स, ये रही मेरी बाइक और ये जो सामने जो देख रहे हैं क्रैश गार्ड, यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ अपना वाटर बॉटल। सो देखते हैं कैसा यहाँ पे इंस्टॉल होता है और इस जगह मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो है इसके साथ आपको एलंकी मिलेगा इसको ओपन करने के लिए। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है और इसको अभी फिक्स करना है क्रैश गार्ड में। बेस यूनिट मेरे क्रैश गार्ड में इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे जो दो होल देख रहे हो इसमें स्क्रू ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है और यहाँ पे दो बोल्ट है
तो ये दोनों बोल्ट इसमें इंस्टॉल होने वाला है, तो कुछ इस तरह से लुक आने वाली है गाइस। अगर आप बॉटल इंस्टॉल नहीं भी करते हो तो भी ऐसे रहने दो, आपके क्रैश गार्ड को प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन गाइस ये जो यूनिट है ये दो पार्ट में है, तो इसको ओपन करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद अंदर में दो एलेंकी बोल्ट है जैसा कि आप देख रहे हो, तो पहले इसको ओपन करके इसको अलग करते हैं। तो ये देख रहे हो ये जो यूनिट है ये अलग हो चुका है, और इसको पहले इंस्टॉल करना है इसमें, तो पहले इसको इसमें लगाते हैं। ये जो यूनिट है इसमें यूनिट के साथ ये फिक्स हो चुका है, तो दो पार्ट आपका ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, और उसके बाद गाइज ये जो बॉटल है इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो मेरे हैंड में आप देख रहे हो ये 750 ml का बॉटल है, सो बहुत ही इजीली इसमें इंस्टॉल हो जाता है, आप रख सकते हो इसमें, आप देख लो। सो जनरली जो होता है सभी लोग 1 लीटर का बॉटल कैरी करना चाहते हैं, सो 1 लीटर का बॉटल भी मेरे पास है और मैं उसे भी रख के आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये फुल्ली पैक्ड है और इसे मैं इसमें रख के दिखा रहा हूँ। तो 1 लीटर का ये बॉटल है गाइज, और बहुत ईजिली आप कैरी कर सकते हो 1 लीटर पानी, और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है गाइज, आप देख सकते हो। सो फाइनली गाइज मेरे बाइक में जैसा कि आप देख सकते हो वाटर बॉटल इंस्टॉल हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक आ रही है, और ये जो है लॉन्ग राइड के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था यार, क्योंकि पानी का बॉटल कैरी करना बहुत बड़ा हेडेक होता है, और पानी ऐसा चीज़ है यार सभी राइडर्स को ज़रूरत होता है। सो फाइनली लुक भी अच्छी आ रही है और मेरा काम भी हो जा रहा है, सो फाइनली मेरे बाइक में मैंने इंस्टॉल कर दिया है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये इंस्टॉलेशन कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताना। और गाइज आपको ये चाहिए, आपको बॉटल चाहिए, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। सो चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताना, और थोड़ा सा भी गाइज यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राइड सेफ गाइज, चलो बाय। I was alone and so afraid, couldn't see the light.